किसान साथियों नमस्कार, मैं विश्वास चौधरी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube चैनल विश्वास चौधरी फार्मिंग। साथियों आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी गन्ना पेड़ी को लेकर देने वाले हैं। दोस्तों इस समय जो सबसे ज़्यादा गन्ना पेड़ी में हमें प्रकोप देखने को मिल रहा है वो चोटी भेदक का मिल रहा है, या दोस्तों इसे चोटी भेदक के नाम से भी हम जान सकते हैं। इसकी क्या पहचान है साथियों? पहचान इसकी ये है, जैसे हमारा ये किल्ला है, ये जब निकल के आता है साथियों तो ये बीच से बिल्कुल इसकी गोप सूख जाती है। ये देखिए इस तरह से, इसमें एक दोस्तों सूढ़ी होती है, वो सूढ़ी इस गोब को बिल्कुल खा जाती है और ये गोब हमारी सूख जाती है। यही इसका खास लक्षण है, चोटी भेदक या तना छेदक का। दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है फुल जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे खेती किसानी से जुड़ी और ट्रैक्टर बाजार से संबंधित वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। साथियों दोस्तों हमें इस रोग के लिए क्या क्या यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसान साथियों देखिए ये घोल तैयार किया गया है स्प्रे के लिए। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या लेना है इसके लिए, फिप्रोनिल 5% 250 ग्राम प्रति एकड़, जो ऐसा आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। और अगली चीज़ दोस्तों हमें क्या लेना है, किसी भी कंपनी का फिप्रोनिल दोस्तों आप ले सकते हैं। और अगला जो कीटनाशक है दोस्तों वो है थायोमेथॉक्सम 30%, ये भी आप किसी कंपनी का अच्छी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, ये भी 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। साथियों अगली जो चीज़ हम लेंगे वो है दोस्तों 1919 भी हमें साथ में लेना है, ये सुजला कंपनी का है, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं साथियों, 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगली जो चीज़ बता दूं दोस्तों मैं, इसमें क्या ऐड करना है, कोई भी फंगीसाइड, वैसे तो सबसे बेस्ट साफ रहेगा, इसमें फंगीसाइड लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। इन सभी को एक जगह मिक्स करके घोल तैयार कर लें और एक 200 लीटर के ड्रम में आप इस मिक्सचर को, यानी कि थायोमेथॉक्सम 250 ग्राम, फिप्रोनिल 250 ग्राम और 2 किलो 1919 NPK 1919 और दोस्तों 250 ग्राम साफ फंगीसाइड। दोस्तों हमें क्या करना है फिर उसके बाद हमें दोस्तों स्प्रे करना है इस पर। इससे क्या होगा, बहुत ही जल्द जो तना छेदक है या चोटी भेदक रोग दोस्तों जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लगभग 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से इन सब चीज़ों को मिक्स करके दोस्तों स्प्रे कर दें। किस तरह से स्प्रे करना है हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो लास्ट तक बने रहें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों इस तरह से इसका मिक्सचर तैयार कर लें, कोई गन्ना। साथियों इन सभी चीज़ों का हम मिक्सरण बनाने के साथ ही साथ इसे एक ड्रम में डाल देंगे और अच्छे से इसे 1 घंटे की सहायता से चला लें दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए साथियों इस तरह से हमें इस पर स्प्रे कर देना है, इससे कि तने में हर जगह फैल जाए। काफ़ी भयंकर बीमारी है दोस्तों ये, इससे बिल्कुल पूरे खेत के खेत ख़त्म हो जाते हैं समय रहते अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं किया जाए तो। दोस्तों जो मैंने स्प्रे में यूज होने वाली दवाइयाँ बताई हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, कारगर हैं, आप अपने खेतों में ज़रूर स्प्रे करें। बीमारी आने से पहले भी हम इसका यूज अपने गन्ना पेड़ी में कर सकते हैं साथियों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों कैसी लगी मेरी वीडियो। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें जिससे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।